क्या नाम है आपका? अमृत रानी। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा को जानते हो? 1993 से। आज भी जाते हो आप डेरा सच्चा सौदा? हाँ जी। क्या शिक्षा मिलती है आपको वहाँ पर? वहाँ से अच्छी प्रेरणा मिलती है, उनकी बड़ों का आदर करो और सत्संग सुनते हैं जैसे अच्छा ज्ञान मिलता है, जैसे बड़ों की सेवा करो, अपने से जो छोटे होते हैं उनका आदर करो और बड़ों के आशीर्वाद लो। समाज के लिए गुरुजी ने किस तरीके के कदम उठाए हैं? समाज के लिए गुरुजी ने सबको अच्छी प्रेरणा दी है, जैसे कि गरीबों के लिए क्या काम किए? गरीबों की भलाई के लिए मानवता सेवा करो और जो दुखी इंसान होता है उनको डॉक्टर पास पहुँचाओ, और जो इंसान ज़्यादा गरीब होता है उनकी लड़की की शादी के लिए मदद करो, और जो इंसान बेचारे बिल्कुल लाचार होते हैं उनकी मदद करो। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं गुरुजी के ऊपर, उसके बारे में क्या मानना है आपका? देखो जी, हमने तो जब से जाने लगे हैं ना डेरा में ऐसा कोई देखा है ना ही हमने सुना है, बाकी इसके बारे में हमारे को कोई नहीं है। आप भी एक लेडीज हो, कभी भी आपने महसूस किया हो वहाँ पर अलग तरीके? नहीं, जो कुछ हुआ है हमारे को अच्छा महसूस हुआ है, कोई गलत महसूस नहीं हुआ। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है अभी गुरु जी के ऊपर आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं? बस दुनिया जैसे वो भटकावे में आ जाती है, बाकी अपने तो ना आज तक किसी को गलत देखा है डेरा में, ना ही पिताजी के बारे में गलत सुना है, ना ही कोई गलती है माने पकड़ी है। गुरु जी का नेचर कैसा लगता है आपको? गुरु जी का नेचर बहुत अच्छा लगता है मेरे को। क्या ज़रूरत है गुरु जी की समाज के अंदर? हाँ जी, बहुत ज़रूरत है मेरे को तो। 3 साल हो गए हैं, 3 सालों में समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? 3 सालों से समाज के ऊपर देखो जी, हम तो खुद के बारे में कह सकते हैं, हमारे ऊपर तो कोई, हमारे को ऐसी खुशियां प्राप्त नहीं हो रही जब से गुरु जी हैं यहाँ नहीं है, बस 3 सालों से। अब तो महीना 2 महीने हो गए परेशान रह रही हूँ थोड़ी। क्या मांग करोगे सरकार से गुरु जी के लिए? सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके हमारे गुरु जी सिरसा डेरे में आ जाए।